सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मन को और बेल एंकर को जरूर दबाएं न्यू न्यू अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के यार किसी डिवाइस को अपडेट मिला है और एक सैमसंग का डिवाइस लॉन्च होने वाला है इंडिया में और सैमसंग के कुछ डिवाइस की प्राइस भी कट हुई है इंडिया में। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहले जो कि न्यूज़ है, यहाँ पे सैमसंग के टी मोबाइल वेरिएंट नोट 9 को मई का सिक्योरिटी पैच मिल चुका है। यहाँ पे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव किया है और यहाँ पे आपकी जो बैटरी लाइफ है काफ़ी ऑप्टिमाइज किया है। अगर आप यूएसए में रहते हो तो भी अपडेट करना, आपके नोट 9 में अपडेट अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी M40 बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यार हालांकि इसका फ़ोन का प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन गाइस इसकी जो डिस्प्ले है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जी हाँ, जैसे आपको S10 प्लस में देखने को मिलती है कैमरा, छोटा सा डिस्प्ले में होल देखने को मिलता है, वैसी गाइस इस फ़ोन की डिस्प्ले होगी। तो देखते हैं गाइस, हालांकि इस फ़ोन की प्राइस कितनी होगी वो तो यार इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही मालूम चलेगा। फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी A50 की जो प्राइस है इंडिया में कम हो चुकी है। पहले ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था 20,000 के ऊपर था, अब इस फ़ोन की प्राइस देखने को मिलती है 18,490 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब 1500 प्राइस इस फ़ोन की कट हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, अब आपको ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। तो अगर आप सैमसंग का A50 लेना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए अपने शोरूम के पास जो आपको देखने को मिलता है। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी।